हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज का ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा आपको गोवा टूर। और ये ब्लॉग शुरू हो रहा है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से। और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से गोवा है 550 किलोमीटर दूर। तीन 28 हो रहा है टाइम, और अभी नाश्ता करने के लिए रुके हैं। यहाँ से 350 किलोमीटर दूर बाकी है गोवा। तो हम कोल्हापुर पहुँच चुके हैं अभी फिलहाल। तो गाइस, अभी 8:30 बज रही है और हमें अभी कर्नाटक होके जाता है गोवा का रास्ता। और यहाँ से 150 किलोमीटर और बाकी है गोवा। अभी हम रुके हैं चाय कॉफ़ी ब्रेक के लिए। तो गाइस, देख सकते हो जीरो विजिबिलिटी पर गाड़ी चल रही है हमारी। पूरे बादल ही बादल आ गए हैं और अभी हम पहाड़ पे हैं। तो गाइस, फाइनली रात के अभी 3 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं गोवा। और हमको आने में टोटल 14 घंटे लगे यहाँ पे। और आप देख सकते हो रात के 3 बजे भी कितनी चहल पहल है गोवा की सड़कों पे। तो गाइस, ये रूम है, 2 रूम लिए हमने 1200 में विथ एसी। और एक ये रूम है, दोनों एसी रूम है और इसमें तो फ्रिज भी है। तो गाइस, अभी रात के 3 बज रहे हैं और हमने ले लिया है होटल। आपको नंबर दे दूँ, आपको भी ये होटल लेना है तो यहाँ पे नीचे नंबर आ जाएंगे आपको। हमने ये लिया 1200 रुपये में 1 नाइट सुबह 11 बजे तक के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस, रात को 3 बजे हम पहुँच गए थे गोवा में फाइनली। और आपको व्यू दिखाता हूँ और पास में हमारे और ये था हमारा रूम, होटल कुछ भी कह लो। ये ऐसे पन्नी लगा देते हैं यहाँ पे बारिश से बचने के लिए, बहुत बारिश होती है यहाँ पे इसलिए। हमसे इधर की साइड है बीच, आपको बीच घुमाने ले चलता हूँ मैं। तो गाइस, फर्स्ट व्यू देख लो, सी व्यू। तो गाइस, गाइस,
वाइस फिश स्पा करा रहे हैं हम 100 रुपए पर पर्सन और टाइम ले रहे हैं 20 मिनट 20 मिनट मस्त तो भाई एक नंबर फीलिंग आ रही है हमारे को फिश स्पा करा के 100 रुपये पर पर्सन चार्ज है 20 मिनट नवरत्न रेस्टोरेंट में जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। तो हमने मंगाई है पाव भाजी और मसाला डोसा, 80 रुपये की पाव भाजी और 70 रुपये का मसाला डोसा। गाइस यदि आप गोवा हो तो ज़रूर यहाँ पे आए, प्योर वेज पे नवरत्न में यहाँ पे प्योर वेज खाना मिलता है आपको। और हमने अभी खाया यहाँ पे, अभी नाश्ता करा है। दिन में नाश्ता करने के बाद हम आ गए थे रूम पे और सो गए, अब उठे अब वापस जा रहे हैं हम। और गाइस रेडी होके आ चुके हैं हम गोवा की सड़कों पे। आपको आज रात का टूर दूंगा, दिन में तो कुछ ज़्यादा था नहीं इसलिए सो गया था मैं। मेरी आउटफिट चेक कर लें, तो अभी हम आए हैं सोवेनियर्स मार्केट पे। आपको दिखाता हूँ एक से एक चीज़ मिलती है यहाँ पे, ये देख रहे हो आप। ये साउंड अच्छा है तो गाइस ये बाजार है गोवा में, आपको दिखा रहा हूँ। बाजार तो नहीं है, एक सेल टाइप ही कह सकते हैं इसको, कुछ सब एक ही जगह पे ये पूरा डेवलप। आप दुकान से ना ले सामान, यहाँ से ही ले, बहुत अच्छा है। गाइस यहाँ पानी पूरी 50 रुपये की 6 पीस। तो गाइस ये मार्ट में है यहाँ पे, enjoy।
तो गाइस अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। मैंने साउंड बंद कर दिया क्योंकि यहाँ पे सब चल रहा है, म्यूज़िक ये सारे बाहर है। और हम सुबह वाले रेस्टोरेंट में ही आ गए हैं खाना खाने के लिए नवरत्न में। तो रात को रेस्टोरेंट से खाना खा के आ गए थे हम और सो गए थे, और अब सुबह हो चुकी है, अब हम जाएंगे घर के लिए। तो गाइस फाइनली हमने गोवा से कर लिया है रूम से चेकआउट और हम जा रहे हैं अब उज्जैन घर के लिए। तो आप कुछ वीडियो और देख लो गोवा सिटी की। ये पूरी गोवा है, बागा बीच वाला एरिया। और इस ब्लॉग को करते हैं हम खत्म। यदि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।